आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले हमने आसाम में 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस उसको स्वीकार करेगी। ये 3 कैंडिडेट जो हमने अनाउंस किया है वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आसाम में, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। समय को देखते हुए आज मैं गोवा, साउथ गोवा से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा करता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे लीडर वेंजी वेगास जो है, जो बेनुलिम से वहां के विधायक भी हैं, वो हम कैंडिडेट के रूप में उनकी घोषणा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी, इसकी अनुमति देगी। आप देखेंगे कि गोवा के चुनाव जब हुए विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आई थी और दोनों सीटें साउथ गोवा में है। हमारे एमएलए वेंजी और क्रूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये दोनों बहुत पॉपुलर है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की भी आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक हैं, उनके 2 विधायक उनके भी साउथ गोवा में है और 1 विधायक उनके नॉर्थ गोवा में। इस हिसाब से साउथ गोवा स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस की 3 सीट है और आम आदमी पार्टी की 2 सीटें हैं तो स्वाभाविक रूप से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। और उसी के तहत विनेबिलिटी को ध्यान में रखकर, विनिंग प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने श्री वेंजी जी के कैंडिडेचर की आज घोषणा की है। इसी के साथ गुजरात में भी आज मैं 2 कैंडिडेट्स का अनाउंस करने जा रहा हूं। उनमें से एक है हमारे चैतर वसावा जी, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया था, और दूसरे हैं भावनगर से उमेश भाई मखवाना जी। तो भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा जी और भावनगर लोकसभा सीट से मैं उमेश भाई मखवाना जी के उम्मीदवारी की यहां घोषणा करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और खूब मेहनत करके ये सीट हम जीतेंगे।